एक होर अहम खबर का रुख करते हैं जो सीधा मोगा तो आ रही है। मोगा के मोड़ लहराया गया केसरी झंडा। रेलवे पुल से शरारती अंसरां दे वल्लों झंडा लहराया गया है। मुलजमान की भाल दे विच जुटी हुई है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज जरिए मुलजमान की भाल की जा रही है। पहला भी तस्वीर सामने आई हैं जदों 14 अगस्त को मिनी सैक्रटेरिएट के उपर चौथी मंजिल से झंडा लहराया गया से केसरी झंडा, जिस दे विच गिरफ्तारी भी हुई है। पर उत्थे मोगा तो जो अहम खबर आ रही है, मोगा दे विच मुड़ लहराया गया केसरी झंडा। रेलवे पुल से शरारती अंसरां ने यह झंडा लहराया है। मुलजमान की भाल दे विच पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुलजमान की भाल की जा रही है। ये तस्वीर मोगा दिया ने जिथे रेलवे पुल से शरारती अंसरां वालों झंडा लहराया जा रहा है। मोगा तो तस्वीर जो सामने आ रही ने, मोगा के मुड़ लहराया गया केसरी झंडा। रेलवे पुल से शरारती अंसरां ने यह झंडा लहराया। मुलजमान की भाल के हुण पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज जरिए मुलजमान की भाल की जा रही है, जो बेहद ही निंदनीय योग है कि आखिर क्यों पंजाब भर के बार बार यहोजियां तस्वीर सामने आदियां ने। इस खबर से साढ़े सहयोगी सुरिंदर साढ़े जुड़ चुके हैं, उन्होंने रुख कर लें। पर उस तो पहले तुम्हें अहम खबर दस देनी है कि मोगा के मुड़ झंडा लहराया गया, जिस तो बाद रेलवे पुल से शरारती अंसरां वालों जो झंडा लहराया गया से मुलजमान की भाल के पुलिस जुटी हुई है। सुरिंदर साढ़े जुड़ चुके हैं। सुरिंदर, की कुछ तमाम अपडेट्स आ रही ने इसते? यह कोई पहला मामला नहीं है, पहला भी इतने झंडा लहराया गया मिनी सकत्रे के हूँ पुलिस उस तरीके तो बाद उस हरकत तो बाद फिर हो जाए केस सामने आता है तो पुलिस इतने नाकाम ही नाकाम खालिस्तान का झंडा। इस तो पहला मिनी सैक्रटेरिएट के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की छत के उपर झंडा चढ़ाया गया। इसे तरह पिंड ढुग्गी के पिंड भी खालिस्तान का झंडा लहराया गया। उस तो बाद बिना शक पुलिस की मुस्तैदी है, पर रात बराते नेरे का लाभ उठा के जिहड़े अजिहे लोग ने माहौल खराब करने की मंशा नाल लगता है पुलिस का यह मानना है कि इहोजी शरारत कर रहे हैं जिस नूं पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। दूजे पासे जिस तक पुलिस का संबंध है, पुलिस की गश्त बहुत तेज है। लॉक जिहड़ा लॉकडाउन है वीकेंड से उसके विच पुलिस थां थां ते घूम रही है, पर अजिहे विच इस तरह का झंडा फिर नैशनल स्टेट हाईवे के उपर लग जाना एक चिंता का विषय भी है, तो सवाल भी कई तरह के खड़े करता। जी कौन सुरिंदर, पर इतने ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, पुलिस के वलों उस तरीके समझाया नहीं जा रहा, या फिर इसलिए मोगा के मुड़ केसरी झंडा लहराया गया है, कितने ना काम दिस रही है पुलिस। बिल्कुल जी, ये गल साफ है कि मोगा के बार बार अजिहियां घटनावां का वापरना, जो पहला झंडा मिनी सैक्रटेरिएट लहराया गया जो मुलजम से उन्होंने फड़े जाने बाद जेकर अजिही घटना फिर दोबारा वापरती है जिस नाल जिहड़ा फिरकू जिहड़ी भावना पैदा हो सकती समाज दे विच उहदे ते नकेल नहीं पई, तां इहदा मतलब इह तां है ही है ना वी पुलिस किते ना किते जरूर नाकाम आ ते पुलिस दी मुस्तैदी है जिहड़ी उह वधाउण दी लोड़ है। सुरिंदर, जो पहला झंडा लहराया गया और श्रोमणी अकाली दल आगू बिक्रम सिंह मजीठिया के वालों बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर डीसी दफ्तर के लहराया जा रहा झंडा तो बाकी तो फिर लोग सुरक्षित ही नहीं ने। उस तो बाद फिर एक घटना सामने आ गई, मोगा के प्रशासन अजे भी चुप है, कहा गया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जी, बिक्रम सिंह मजीठिया ने जिहड़ा उस वेले बयान दिता सी बहुत ही एक वजनदार बयान सी, एक सवाल खड़ा करता सी पुलिस से जेकर मिनी सैक्रटेरिएट के जिथे एस एस पी दफ्तर आ, डीसी दफ्तर आ, सारे विभागों के अहम जिहड़े अधिकारी उत्थे बैठते आ, उन्हों का कहना सी कि जे उत्थे बैठ के उहदी सुरक्षा नहीं की जा सकती, उसके उत्ते वख-वख झंडा लाया जा सकता, तो फिर जी इतने सुरक्षा हैगी दूजी आराम भरोसे आ, तो हुण फिर जो अज झंडा लग गया तो उन्हों की जी गल की बिल्कुल पुष्टि हो रही है कि पुलिस कितना ना कितने नाकाम जरूर है, तो मुस्तैदी की जरूर लोड़ है भविख के। जी बिल्कुल, मुस्तैदी की जरूरत है। सुरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मोगा तो जो बेहद निंदनीय घटना सामने आई है, मोगा के मुड़ केसरी झंडा लहराया गया, पहला मामला नहीं है। मोगा के 14 अगस्त को भी केसरी झंडा लहराया गया, मोगा के मुड़ तो यह केसरी झंडा लहराया गया है, जिसकी तस्वीर तुम देख पा रहे हो। रेलवे पुल से यह शरारती अंसरां वालों केसरी झंडा लहराया गया, मुलजमान की भाल के पुलिस जुटी हुई है।